की ओर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां ओबीसी आरक्षण पर फिर टली है सुनवाई। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के लिए हाईकोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन दायर की है। ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले ट्रांसफर करने की मांग की गई है। 4 मार्च को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी, 12 मार्च को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर यह सुनवाई फिलहाल टल गई है। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट? चलिए पवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण लगातार ये पूरे सियासत के केंद्र में रहा और अब इस आरक्षण को लेकर सुनवाई टल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, एक ट्रांसफर पिटीशन दायर की गई है और एक बार फिर कोशिश करेंगे। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आज जब सुनवाई हुई तो इसमें राज्य सरकार की तरफ से तथ्य रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, लंबित मामले हैं, उसकी सुनवाई 4 मार्च को होना है, इसीलिए आज कोई भी उसमें सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने भी इस मामले को 4 मार्च तक के लिए टाल दिया है। और आज की सुनवाई में फिलहाल कोई भी ना तो जरा हुई और ना ही किसी तरह के तथ्य रखे गए और ना ही इसमें कोई बातचीत हो पाई। तो अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद हाईकोर्ट अपना पक्ष रखेगा, हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि पवन, अदालत का एक अलग मसला है, अदालत के काम करने का एक अलग तरीका, पर सियासत का केंद्र बिंदु भी ओबीसी ही है, सबकी निगाहें इस पर टिकी है, राजनीतिक दलों की। जी बिल्कुल, राजनीतिक दलों में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और भी दल जो है, वो भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। चुनावों में खासतौर पर यह मुद्दा गर्मा जाता है, लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में अगर इस पर कोई निर्णायक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है तो निश्चित ही इस बार भी चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख मुद्दा रहेगा वोटिंग के लिहाज से। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। खबरें लगातार जारी है, यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।